Maya sakta manah pata, maya sakta manah pata, yogam yunjanmadashaya, yogam yunjanmadashaya, asanchayam samagrang mam, asanchayam samagrang mam, yatagyasya sitat shvinu, yatagyasya sitat shvinu. Bhagwan ki prerunahe. गुरु महाराज के आदेश थे कि पाश्चात्य देश में कुछ अंग्रेजी कभी गुरु भाई का ऊपर ये आदेश थे बाकी जब देखा कि इधर में ही सब बस्त हो गए उधर कोई ज्ञान है तब थोड़ा सोचा कि भला मैं ही बुढ़ापे में थोड़ा चेष्टा करूं उस समय हमारा 70 वर्ष उम्र था 1965 तो उधर गया न्यूयॉर्क में और जहाज में बैठ बैठ के सोच रहा था जो भगवान इधर क्यों भेजा मैं तो जब इनको वैष्णव सदाचार का विषय बोलूँगा उसी समय ये लोग कहेंगे महाराज आप इधर से चले जाए क्योंकि सदाचार बिना तो वैष्णव होता नहीं यद्यपि भगवान कहाँ है अपिते सुदुराचार इसका लक्ष्य है जो सदाचार जरूर होना चाहिए वैष्णव के लिए सर्वोई गुणई तत्व समासते सुरा वैष्णव का सब देवता का गुण होना चाहिए भगवत भक्त का यही लक्षण है तो सदाचार पालन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह बताया है कि असदाचारी वैष्णव को वैष्णव है इस हिसाब से उनको दंडवत करना जरूरी है बाकी उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं ये मना किया तो सदाचार वैष्णव के लिए बहुत ही जरूरी है तो हमारा हृदय में तो यही था जो पहले तो इनको यही बात बताया जाएगा जो आप लोग सदाचारी होइए चार प्रकार का जो पाप है इसको छोड़ दीजिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि जस्य अंतगतं पापं जेषां अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणि ते दण्डमहानिर्मुक्ता भजन्ति मां धीरव्रत भगवान की सेवा में धीरव्रत होकर के सेवा में नियुक्त होना ये साधारण नहीं है जिस हम अंतगतम पाप जो पाप कार्य से बिल्कुल निवृत्त हो गया उसके लिए भगवत सेवा संभव है और नहीं तो ये भी समझना चाहिए कि जो भगवत सेवा में नियुक्त है वो सदाचारी है वही एकमात्र सदाचारी अगर यद्यपि बाहरी कुछ अभ्यास से सुदुराचार मालूम भी होता है भगवान उनके लिए कहते हैं उपीते सुदुराचार भजते माम अनन्न भाव तो विदेश में जाकर के न्यूयॉर्क में विशेष करके एक पार्क जिसका नाम है टॉमकिंसन स्क्वायर तो उधर जाके मैं कीर्तन शुरू किया एक पेड़ का तले में बैठ के हरे कृष्णा बस एक डुगडुगी लेकर उधर मृदंग भी नहीं था तो ये सब बालक लोग आने शुरू किया
और इधर वो बालक अभी उपस्थित है जो कि जिसका नाम अभी है ब्रह्मानंद स्वामी, ये पहले आकर के नाचा था। ये बालक और भी एक बालक, उसको नाम है अभी अच्युतानंद स्वामी, वो अभी हैदराबाद में खूब प्रचार कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये भगवत कीर्तन की प्रभाव से चीत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, परंग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान की कीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परंग व्रज, सुखदेव गोस्वामी की वाणी। ये कलियुग में अनेक दोष है, ये दोष की निधि है, कलोग दोष निधि राजन अस्ति जी को महान, एक महागुण है मुझे कीर्तनादेव कृष्ण समुक्त संग परम, केवल मात्र भगवान की नाम तन्नाम ग्रहणा देवी, ये भगवत भक्ति शुरू होती है तन्नाम ग्रहणा देवी, तो इसका फल वास्तविक यूरोप अमेरिका में प्रत्यक्ष हुआ है। ये कीर्तन करते 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 आदु सद्या तत्व साधु संग फिर आगे बढ़ के आया और शिष्य होने का मांगा। मैंने उनको बोला जो देखो भाई, हमारा शिष्य होने के लिए तुमको चार चीज छोड़नी चाहिए। एक तो अवैध स्त्री संग छोड़ना चाहिए, इनका देश में लड़का लड़की साहब ऐसी रहते हैं बिना विवाह, कुछ दिन रहा छोड़ दिया और किसी को पकड़ लिया, ऐसी चलता एज फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिष्य होते हैं उसको ये नहीं चलेगा। तुम किसी को लड़की को चाहते हो, लड़का को चाहते हो, तो शादी करो, शादी करके भद्रभाव से रहो। ये लोग मान लिए, बहु माई शादी करा दिया, उनको सब बच्चे जो हुए हैं उनको लिए स्कूल खोल दिया गुरुकुल, तो एक जेनरेशन चेंज हो रहा है, वैष्णव जेनरेशन, ये टूटने वाला नहीं है। हम तो वयोवृद्ध हुआ अभी 78 वर्ष है, हो सकता कभी भी चला जाऊंगा, बाकी हमारा विश्वास है ये लोग चलाएंगे मूवमेंट, ये उधर नष्ट होने वाला नहीं है। तो उनके यही सिखाया जाता है कि भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, जो कि भगवान स्वयं बताते हैं मैया सक्त मना प्रार्थ जोगम झुंझन मदास, भगवान का आश्रय लेकर के और ये भक्ति जो को अभ्यास करो। वो भक्ति जो क्या है, जो भगवान में आसक्ति बढ़ाओ, बस आसक्ति हम लोग का सभी का है, किसी का घर में है, किसी का दौलत में है, किसी का देश में है, किसी का बाल बच्चे में है, और किसी का कुछ नहीं है तो कम से कम पाश्चात्य देश में खूब देखा जाता है कि किसका कुछ है नहीं फैमिली, तो वो कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, तो कुत्ता में आसक्ति। तो आसक्ति तो जरूर हमारा है, ये आसक्ति फिरा करके भगवान में लगाना चाहिए और कुछ, यही भगवत भक्ति है। मनमना भवमत भक्त मज्जाजी मांग नमस्ते, भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मनमना हमारा भक्त बन जाओ। मनमना भवमत भक्त मज्जाजी, हमारा पूजा करो और हमको नमस्कार करो, जो कि आप लोग का वृंदावन में यही प्रथा है। सब समय आप लोग भगवान का नाम जपा करते हैं मनमना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो
तो इस शब्द का साथ साथ ही भगवान का चरण में मन लीन हो जाता है। गोस्वामी लोग सिखाया है, सब आचार्य लोग सिखाया है, चैतन्य महाप्रभु खुद सिखाया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। कोई मुश्किल है नहीं है, भगवान में आसक्ति बढ़ानी कोई मुश्किल नहीं है, विशेष करके कलयुग में केवल भगवान का नाम से है। ये पुराना युग से तन्नाम ग्रहणादि भक्ति शुरू होती है भगवान के नाम ग्रहण कर, तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए इनको हरिनाम जप करने को बताया गया है। तो सब समय जप करते हैं लोग, जहाँ तक हो आप लोग देखा ही है, सब समय नाम की माला है उसका चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मनमना भव मद भक्त। और जो नाम को जप करेगा तो भक्त हो ही जाएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान और भगवान का नाम कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न त्या नाम नाम। तो वहां चिंतामणि नाम है, स्वयं भगवान है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है, रसो वैसा जैसे भगवान स्वयं कृष्ण चंद्र सब रस का आधार है, द्वादश रस का आधार है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, अखिल रसामृत सिंधु। तो भगवान रस विग्रह है, सब आनंद भगवान नहीं है, भगवान से जिसका संपर्क है वो आनंदमय अभ्यासात, वो अभ्यास से केवल भगवान से संपर्क रखने से ही वो आनंदमय हो जाते। और भगवान का स्वरूप है आनंदमय, और हम लोग भगवान का अंश है इसलिए हम लोग भी आनंदमय है, क्योंकि भगवान को हम लोग छोड़ दिया है इसलिए निरानंद और कुछ। फिर अगर भगवान को चरण को हम लोग पकड़ लेते हैं फिर आनंदमय हो जाइए। दैवी जीसा गुणमयी माया दुरतया मामी वज प्रबद्धंते माया में तांग तरंते। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और भगवान का अंश है जी, वो भी सच्चिदानंद विग्रह है। बाकी अनु होने का कारण भगवान विभु और हम लोग अनु, अनु होने का कारण जैसा अग्नि का स्फुलिंग बहुत छोटे होने का कारण कभी कभी बुझ जाए, अब फिर उसको वो अग्नि कणा जो अंगार है उसको आग में दे दीजिए तो फिर वो प्रज्वलित हो जाए। इसी प्रकार हम लोग जब दुनिया को भोग करने को चाहता जैसा जगदानंद पंडित बताए हैं, कृष्ण भुलिया जीव भोगवांछा करे पासे ते माया तारे जापोटिया धौरे। जब हम लोग भोग करने को चाहते हैं वही माया है और कुछ नहीं, हम लोग भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान, भोक्तारम जग तबसाम सर्वलोक महेश्वर। ये बात जब हम लोग भूल जाते हैं जो भगवान भोक्ता है और हम लोग छाए भगवान की भोग की सामग्री उनको देने के लिए हमारा काम है, जैसे गोपी लोग करते हैं सब समय भगवान को भोग के लिए प्रस्तुत, सब वृंदावनवासी, वृंदावनवासी का यही काम है, जो भोक्ता भगवान और भगवान को भोग के लिए सब स्वयं सेवा करने के लिए तैयार, ये वृंदावनवासी। तो बिना आसक्ति से क्यों भगवान, सभी चाहते हैं मैं भोग करूँ, अपना भोग छोड़ देता है, जैसे पिता माता अपना भोग छोड़ देता है अपना बालक को प्रतिपालन करने के लिए, स्वाभाविक तौर प्रेम है। प्रेमी जो है वो अपना प्रेमी को सुखी करने के लिए अपना भोग परित्याग, दुनिया में ये बात नहीं हो सकती है परंतु परजगत में अपराकृत भूमिका में ये संभव है।
दुनिया में जो है कोई अपना भोग को छोड़ नहीं सकता, बाकी वैकुंठ जगत में उसमें भोगता एकमात्र भगवान है और सब भोग्य है। जीव भी उधर जो जीव है वो सब भगवान की सेवा के लिए तैयार है। कोई चीज इधर सिखाया जाता है हमारा वैष्णव पद्धति में जो भगवान की सेवा में सब कोई नियुक्त रहो। भगवान ने ये सप्तम अध्याय में यही बता रहे हैं, मैया सक्त मना प्रार्थ जोगों में झुंझन मदास। वो जो जोग है भक्ति जोग वो भगवान का आश्रय लेने से ही हो सके, या भगवान को भक्त का आश्रय, भगवान और भगवान का भक्त से कोई अंतर नहीं है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावत एव सद्भि किंतु प्रभु ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का काम है कि सबको भगवत भक्ति में लगाए। यद्यपि गुरु को भगवान के ही ऐसे सम्मान दिया जाता है, देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है भगवान का तरफ से सम्मान ग्रहण करते हैं, बाकी वो सब सम्मान भगवान को देते हैं, अपने के लिए नहीं। इसलिए जैसा कोई मैनेजर है वो रुपया पैसा जो कुछ अदा करते हैं मालिक के लिए, इसी प्रकार भगवत भक्त जो है उनको जो कुछ दिया जाता है सम्मान अर्थ और कुछ वो सब भगवान का पास पहुंचता है। इसलिए साधु गुरु वैष्णव की सेवा के लिए शास्त्र में विधि है कि उनको जो कुछ दिया जाता है वो भगवान को ही दिया जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं मदाश्र भगवत भक्त का आश्र। यदि साक्षात भगवान का आश्रय नहीं होता, साक्षात भगवान का आश्रय हो भी नहीं सकता। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में ही विगच्छ, भगवान को जो आश्रय में है इस प्रकार भक्त का आश्रय ग्रहण करने से ही भगवान का आश्रय होता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। सो भगवान बताते हैं मद आश्रय, जो कि जो व्यक्ति हमारा आश्रय में है उसका आश्रय लो, उसका आश्रय लेके भक्ति योग पालन। ये भगवान और एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षय उदित, भगवत भक्ति भगवान, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान की वैशिष्ट, ये सब समझने के लिए वो परंपरा सूत्र से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए हमारा वैष्णव समाज में चार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय। आप लोग श्री जी का जो है कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो संप्रदाय विहीना जी मंत्रास्ति विफला मता, कोई भी संप्रदाय का आश्रय लेने से वो मदाश्रय हुआ, वो भगवान का आश्रय। चार संप्रदाय के भीतर कोई भी आचार्य को आप आश्रय लीजिए वो भगवत भक्ति सिखाएंगे, भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है वही सिखाएंगे, उनका और कुछ काम नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जे मैया सक्त मना, यदि भगवान में आसक्ति आप लोग बढ़ाना चाहते हैं, मन को भगवान का आसक्ति में सभी मन कृष्ण पदार बिंद, जैसे अमरेश महाराज किया था, महाराज होते हुए भी सब समय भगवान का चरण में मन को लगा रखा था, ऐसे हम लोग को भी कम से कम उनको अनुगमन करना चाहिए, अनुकरण नहीं अनुगमन का जहाँ तक हो, क्योंकि बड़े बड़े महाजन जो है आचार्य जो है उनको अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते, अनुगमन कर सकते हैं। ये आचार्य महाजन जीन गतस्य पंथा, महाजन लोग जैसे जैसे रास्ता बताए हैं उसको हम लोग अगर अनुगमन करें तो हमारा उपकार है। और सुखदेव गोस्वामी बताए हैं कीरा तो हूनांद पुलिंद पुपा आभी सुम्भा जबना खसाद, जवन भी होए और खसाद
भगवान स्वयं भी बताए जिन्ने चो पाप मांगी पार्थ बपाश्रित्य जीपीशु पाप जन सबके लिए भगवत भजन खुला है, कोई के लिए रोक नहीं है। मांगी पार्थ बपाश्रित्य जीपीशु पाप जन पाप जोनी होने से है कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जीव तो पापी नहीं है, जीव तो भगवान का अंश है, पवित्र है। बाकी संस्कार से संस्कार से उनको पाप पुण्य का विचार आ गया है। असल में पुरुष जो है अयंग पुरुष असंग वेद की वाणी है, जो उनका कोई संस्कार नहीं है। अभी अज्ञान से माया से संस्कार है, एक मुहूर्त में वो संस्कार नष्ट हो सकता है। मामी वजह प्रबद्धन्ते मायामी का अंतर, अगर कोई दिल से भगवान से प्रार्थना करे जब भगवान इतना दिन जन्म जन्मांतर आपको भूले हुए थे, अब मालूम होता है आप ही हमारा स्वामी है, आपको चरण में मैं अपना जीवन को समर्पण कर रहा हूँ, उसी वगत तो सब पाप से निर्मुक्त हो जाते। यदि वास्तविक और ना पाप करे, यानी अभी भगवान का चरण में आश्रय लिया पाप से जरूर मुक्त हो गया, और फिर भी पाप करे वो ठीक नहीं। जैसे जगाई महाराज को उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत पाप काम करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु इतना ही शर्त किया कि आज से पाप काम नहीं करोगे फिर तुम्हारा सब हम ग्रहण कर ले। इसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यदि हम लोग मन प्राण से वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत हो जाता हूँ, तो फिर भगवान तो समर्थ है, वो हमारा जो पाप का जो फल है, कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजां ब्रह्म संहिता है। जो भगवत भक्त जो है उनको कर्म सब निर्दहन कर देते हैं, तो इसलिए भगवान में आसक्ति बढ़ानी चाहिए और भगवान का जो भक्त है उनको आश्रय लेना चाहिए, और भगवत भक्ति योग जो है श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दासं सखम आत्म निवेदनं ये नवधा भक्ति, ये श्रवण कीर्तन से ही शुरू होती है। असल चीज है श्रवण, जैसे आप लोग ये मंदिर में रोजाना आते हैं और भगवान के विषय श्रवण करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। ये चैतन्य महाप्रभु इसी को ग्रहण किया। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, अपना अपना स्थान में रहो, स्थान परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण है ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय है क्षत्रिय रहो, वैश्य है वैश्य रहो, शूद्र है शूद्र रहो, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, और गृहस्थ है गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ है संन्यास है, अपना अपना स्थान में स्थित रहो, अपना अपना काम करो, साथ साथ में भगवान का विषय सुनते रहो। सतांग प्रसंगात मम बीज संगीत भवंति रितकर्ण रसायन कथा, सुनते 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 फिर सब चीत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन, वो जो अपना जो स्वरूप है वो सिद्ध हो जाए, भगवान से जो संपर्क है वो सिद्ध हो जाए। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरत है और इसका फल भी हो रहा है। उदाहरण स्वरूप आप लोग सब देख रहे हैं कि ये सब अमेरिकन वासी यूरोपियन वासी ये श्रवण कीर्तन करते ही करते ही सब बड़े बड़े भक्त बन रहा है और प्रचार भी खूब हो रहा है। इंडिया से इनका प्रचार बहुत जोर है, इंडिया का बाहर आप लोग जानते होंगे कि हमारा कम से कम 100 मंदिर है सारा दुनिया में, खाली अमेरिका में ही 50 मंदिर है, यूरोप में है कोई 15-20, इसी प्रकार जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, सब जगह में है, और सब राधा कृष्ण मूर्ति सब पूजन हो रहा है, बड़ा सदाचार से। और ये लोग सब दुर्व्यसन छोड़ दिया है, ये भी चाय भी नहीं पीते और बीड़ी भी नहीं छूते,
और मदिरा मांस का बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी सदाचार है और अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं और जुआ नहीं खेलते हैं और कुछ किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करते हैं और बिल्कुल भगवत प्रसाद केवल ग्रहण करते हैं और मांस आदि का बात छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार सदाचार से हर एक जगह में कभी आप लोग आइएगा तो देखिएगा। अभी सब तीर्थ करने वृंदावन में आते हैं, उधर अमेरिका में एक नया वृंदावन है, न्यू वृंदावन है, वो वेस्ट वर्जीनिया में हम लोग 500 एकड़ जगह लिया है, उधर गोपालन हो रहा है और अभी फिलहाल हम लोग का कम से कम रोजाना 500 पाउंड दूध अदा होता है गाय से। बड़ा आनंद से वो लोग है, ये सब सिखाया जाता है और ये सीखने के लिए वो लोग प्रस्तुत है। इधर से हम लोग को बहुत साधु संन्यास संत को जाना चाहिए, ये चीज़ समझाना चाहिए, इसका मार्केट बहुत है। हम तो अकेले ही इतना किया है, अगर आप लोग सब आइएगा तो सब सारा दुनिया वैष्णव हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, सब हिंदुस्तान हो जाए। तो आप लोग तो कोई आते ही नहीं, हम क्या करें, अकेले जहाँ तक हो रहा है आप लोग आशीर्वाद कीजिए, आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।